करने वाले हैं हम इस मोगरा प्लांट की केयर एंड टिप्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको, और किस तरह से इसको, अब गर्मियां आ गई हैं तो हम अपने प्लांट को तैयार कर सकते हैं फूलों के लिए, और साथ ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे लें इसके भी कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी। तो ये मेरा प्लांट है जो सर्दियों के कारण कुछ इस तरह से हो गया था, और गर्मियों में इसने बहुत अच्छे से फ्लावरिंग की और बहुत अच्छे से फूल दिए। तो यहाँ पर ये एक मैंने इसको घनाना बनाकर बेल जैसे ही बनाया था, तो मैंने इसको दो डंडियों की सहायता से, तार की सहायता से इस तरह से इसको गुलाई में दिया था जिससे कि इसमें फूल वगैरह आए, तो ये एक ऐसा लेयर बाई लेयर आता जाए। तो बस मैंने इसकी कटिंग नहीं की ऊपर से, क्योंकि मैं इसको बेल के रूप में ही लगाना चाह रही थी। तो बस अब इसको मैं यहाँ से तार वगैरह हटाने के बाद अभी हम इसकी करेंगे प्रूनिंग, और साथ ही इसकी गुड़ाई करेंगे। रिपोर्ट नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि रिपोर्ट मैंने बरसात में ही किया था जो अगली बरसात थी इसमें, तो इस पर अभी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तो बस मैं इसकी गुड़ाई वगैरह करूँगी और इसको कुछ नया लुक देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो पे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। मोगरा प्लांट कह लीजिए या जेस्मिन प्लांट कह लीजिए, यह बहुत ही अच्छा एक फ्लावर प्लांट है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, और ख़ासकर यह गर्मियों के दिनों में ही खिलने वाला पौधा है, और साथ ही इसके जो फूल होते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू देते हैं, और पूरा गर्मियों यह खिलते रहते हैं। इस प्लांट की ये खास बात है कि इसे 6 से 7 घंटे की धूप अगर प्रॉपर मिलती रहेगी तो ये फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से करता है। अगर इस प्लांट को हम छाया वाली जगह में रख देंगे तो वह पत्तियाँ तो देगा बट फूल बिल्कुल भी नहीं देगा, तो इसलिए इसे फुल सनलाइट में ही रखना है, और इसे अच्छे से धूप मिलती रहे इसका भी ध्यान रखना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट्टी है गमले की उसमें नमी बनाकर रखें। हमेशा क्या होता है कि नमी बनाकर रखने से इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, प्लांट सूखता नहीं है और अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपना कटर ले लिया और उस पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है जिससे कि इसके जो भी उसमें कटर में कोई भी फंगस वगैरह होगा वो हट जाएगा। तो बस मुझे यहाँ से इसकी जो बारीक से डंडियाँ हैं और कुछ पत्तियाँ हैं उनको हटाना है। ज़्यादा कटाई नहीं करनी है मुझे, गहरी कटाई नहीं करनी है इसकी, मतलब हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, सिर्फ हल्की हल्की प्रूनिंग करनी है, और मुझे इसे बेल की तरह ही रखना है क्योंकि दीवार का सहारा नहीं है, ये बीच में लगा हुआ है, और हमेशा मैंने इसको 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगाया है, तो बहुत अच्छे से यह फ्लावरिंग करता है और बहुत ही अच्छे से। कई बार मैंने इस प्लांट की रिपोटिंग की है और हार्ड प्रूनिंग भी की थी बरसात के दिनों में, तो अब नहीं करना है इसमें को, बस मुझे एक अच्छी सी खाद देनी है। इस खाद देने के लिए क्या करना है कि हम इसकी पहले से करेंगे गुड़ाई, बहुत अच्छे से गुड़ाई कर देंगे, गहरी गुड़ाई करेंगे, कम से कम 1.5 से 2 इंच की गहरी गुड़ाई करेंगे, और जो भी मिट्टी है बाहरी उसे हटा देंगे। मिट्टी को हटा देने के बाद इसमें गहरी गुड़ाई करेंगे जिससे कि ये रूट्स तक पहुँच जाए, और फिर हम इसमें अपने खाद वगैरह जो भी देना है वह देंगे। हर 15 दिन में हमें इस प्लांट की गुड़ाई करते रहना है, ये इसकी खाद टिप्सों में से ही एक है। और जब भी हम गुड़ाई करें तो इसमें वर्मी कंपोस्ट या बोनी मिल या आप कोई भी किचन वेस्ट खाद डाल सकते हैं। एक मुट्ठी किचन वेस्ट खाद डालिए हर 15 दिन के अंदर, या फिर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालिए। कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे आप तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और पूरे गर्मियों के सीज़न आपको अच्छे से फ्लावर देता रहेगा। तो ये कुछ खास टिप्स थी जो आपसे मैंने शेयर की है, और यही हमारे प्लांट पर लागू भी होती है। तो बस इस तरह से हमें गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद मैं इस पर क्या इस्तेमाल करूँगी, क्या मैं, मतलब मैंने ऑर्गेनिक ही हमेशा अपने प्लांटों को दिया है, दूसरा कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है, मतलब जो भी है मेरे किचन वेस्ट से निकला हुआ, और मेरे प्लांट्स के लिए मैं हमेशा अपने ऑर्गेनिक ही चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ, और वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह बनाकर अपने प्लांट्स को देती हूँ। तो पहले तो वही कहना है कि गहरी गुड़ाई कर लेंगे, और गुड़ाई करने के बाद हम इस पर एक अच्छा सा गड्ढा बना लेंगे अपने प्लांट की रूट्स की जड़ों के आसपास, जिससे कि हम जो भी इसमें डालें और उसको अच्छे से ये कवर कर सके और अच्छे से इसका पूरा लाभ हमारे प्लांट को मिल जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बस इसी तरह से इस गमले की गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई करने के साथ साथ हमें इस पर कुछ
रूल्स जो होते हैं हमारे प्लांट्स के, वो भी फॉलो करने होते हैं। तो बस वही हम आज अपने नियमों का पालन करेंगे अपने प्लांट के लिए। तो ये सब करने के बाद मैं यहाँ पर लूँगी एलोवेरा लीव्स। जी हाँ, एलोवेरा बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, एक अच्छा कंपोस्ट खाद भी है। अगर हम इसको मिट्टी में डालें तो ये बहुत ही अच्छा कंपोस्ट बन करके तैयार होता है। तो बस यही है, देखिए गहरी गुड़ाई कर दी है, जड़ों के आसपास मैंने मिट्टी को छोड़ रखा है, बाकी चारों तरफ एक गहरा सा गड्ढा बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने लिए है एलोवेरा लीव्स, इसको मैं कट करूँगी क्योंकि एलोवेरा लीव्स जो होती है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें एंटी फंगस होता है, ये अच्छे से प्लांट में कोई भी फंगस नहीं लगने देती है। साथ ही ये रूट हार्मोन्स होता है, हमारे प्लांट की रूट्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, और इसके खाद से हमारे जो प्लांट है वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है। फ्रूट वाला प्लांट है तो वो अच्छे फ्रूट देगा, फ्लावर वाला प्लांट है तो वो अच्छे से फ्लावर देगा। तो बस इसी तरह से मैंने यहाँ पर एलोवेरा की लीव्स को कट करके अपने प्लांट की चारों तरफ डाल दिया है। अगर आप भी ऑर्गेनिक तरीके से जैसे बागवानी करना चाहते हैं तो बस उसी ही आप इस तरह की से कीजिए कि देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी लिक्विड या अदर बाज़ार का कोई मार्केट का कोई भी ऑर्गेनिक के अलावा कुछ यूज़ नहीं किया है अपने प्लांट्स पर। मैं हमेशा से एलोवेरा लीव्स का ही इस्तेमाल करती रहती हूँ। जब भी मुझे रिपोटिंग करनी होती है, हल्दी है, एलोवेरा लीव है, इसका मैं फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ। तो इस तरह से समय समय पर हमें इसको ऐसे करते रहना चाहिए, हमारा प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। तो बस मैंने इसकी मिट्टी, एलोवेरा की जो पत्तियां हैं उसको मैंने चारों तरफ फैला दिया, उसके ऊपर एक मुट्ठी मिट्टी डाल दूंगी। साथ ही मैं यहाँ पर मटर के छिलकों का प्रयोग करूँगी। मटर के छिलकों के बारे में तो आपको क्या ही कहूँ कि ये बहुत ही अच्छे हमारे प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो बस इन्हीं का मुझे प्रयोग करना है यहाँ पर। यहाँ पर मटर के छिलकों को अपने गमले में इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर मटर के छिलकों को इसके चारों तरफ फैला दूँगी। मटर के छिलके बहुत ही अच्छा कंपोस्ट खाद बन करके तैयार होते हैं, साथ ही ये एक अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी हमारे प्लांट को देती हैं, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं तो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ मोगरा प्लांट की ही केयर और टिप्स और इसकी किस तरह से इसकी देखभाल करनी है यही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बस इसके लिए यहाँ पर हमें मटर के छिलके डाल दिए हैं, और अब इस पर हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी पर मैंने एक मुट्ठी अपना किचन वेस्ट खाद डाला है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना लिक्विड, मतलब इतना खाद हो चुका है, लिक्विड तो नहीं है, मतलब इतना खाद हो चुका है कि हमारा प्लांट पूरा गर्मियों का सीज़न बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो बस हमने मटर के छिलके भी डाल दिए और एलोवेरा भी डाल दिया है, तो अब हम इसको मिट्टी से अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको प्लांट को समय समय पर पानी देते रहेंगे, जिससे कि हमारा प्लांट हरा भरा बना रहेगा और फ्लावरिंग के लिए अच्छे से मतलब तैयार हो जाएगा। तो बस ये सब करने के बाद मैंने जैसे कहा आपको कि मैं इसको बेल का रूप दे रही हूँ, तो बस इसी के लिए प्रोसेस मुझे करनी है आगे। मेरे पास अभी लकड़ी नहीं थी, तो मुझे एक लोहे की डंडी मिल गई या लोहे की छड़ कहिए वो मिल गई, तो बस उसी को मैं मोस्टिक का रूप दूंगी, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से सपोर्ट मिलता रहेगा और वो बेल के रूप में खिलेगा तो बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा और नया लुक निकल के आएगा प्लांट के लिए। तो बस ये देखिए यहाँ पर कुछ हमारे प्लांट्स की पहले से लीव है, अब ये वाली लीव झड़ जाएंगी और नई लीव्स आएंगी, और साथ ही जो नई लीव्स आती हैं उन पर ही कलियाँ लगती हैं और पुरानी लीव्स झड़ जाती हैं। तो बस इसी तरह से हमें अपनी प्लांट की केयर करनी है और समय समय पर पानी और ये सब तो देना ही देना है। तो बस देखिए मैंने किस तरह से लोहे की छड़ को एक मोस्टिक के रूप में तैयार किया है। तो इस तरह से मेरे पास ये कुछ बोरी के इस तरह से बचा हुआ था पार्ट्स, तो बस उसको ही मैं मोस्टिक की तरह इसको तैयार करूँगी, और ये सब तैयार करने के बाद हम अपनी प्लांट को इसका सपोर्ट देंगे, जिससे कि जो बेल का रूप है वो भी हमारे प्लांट में उभर कर आएगा, दिखेगा। और साथ ही ये बताऊंगी कि किस तरह से मेरे प्लांट ने आगे प्रोसेस की है और किस तरह से ये कलियां देने के लिए भी तैयार हो गया है।
सपोर्ट देने के बाद अब हम इसको अच्छे से बांध देंगे, जिससे कि हमारा प्लांट जो है इधर हिलेगा डुलेगा नहीं, और एक जो बेल का रूप देना चाहती हूँ वो एक अच्छे से बन करके तैयार हो। तो इसी तरह से मैंने ये अपना जो मैं काट सकती थी और इसकी दोबारा से मतलब इसको कटिंग से फिर ग्रो कर सकती थी, बट मुझे नहीं करना क्योंकि बहुत टाइम बाद मुझे बेल का एक रूप देखना था इसका। तो बस इसी तरह से मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो बस इसी को मोस्टिक की सहायता से हम इस पर और लपेट देंगे और धागे से बांध देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए, मतलब मजबूत हो जाए, और साथ ही जब इसमें कलियां और फूल बने तो बहुत ही अच्छा लगे देखने में। तो बस यही मेरी प्रोसेस है और इसको बस मुझे इस तरह से तैयार करना है। और वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको बांध दिया है। मटर के छिलके और एलोवेरा की पत्तियों के बाद मैं ही इसमें अब दोबारा से देने जा रही हूँ एलोवेरा लीव्स का पानी, या फर्टिलाइज़र कह लीजिए, फर्टिलाइज़र तो नहीं है, मैंने अभी तुरंत काट कर इसको इस तरह से दिया है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से अपनी जो ग्रोथ है वो अच्छे से तैयार करे, या अच्छे से इसकी ग्रोथ हो, इसके लिए मैंने इस पर लिक्विड एलोवेरा खाद भी डाल दिया है। तो चलो अब मैं इसे आपसे शेयर करूंगी इसके आगे का वीडियो के 10 दिन के बाद का, कि इस पर क्या अंतर हुआ है इस सब करने के बाद। तो ये देखिए इसमें नई लीव्स आकर खिल गई, मतलब कलियाँ तो नहीं आई, अभी लीव्स बनना स्टार्ट हुई हैं। लीव्स बनना स्टार्ट हो गई तो कलियाँ भी जल्दी ही बन जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर जो बेल का रूप ले रही थी हमारी मोगरा की जो बेल है, वो उस पर भी ग्रोथ शुरू हो गई है, और साथ ही अब ये अच्छे से खिल जाएंगी। जब जिसकी पत्तियाँ बहुत अच्छे से खिलेंगी तो उसमें कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी और फूल भी आएंगे। तो अपडेट मैं देती रहूँगी। और वीडियो कैसा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।